हेलो एवरीवन, तो इस वीडियो में हम लोग करेंगे तो अगला सम 3 का 5। तो 3 का 5 में देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। ऐसा देखो, तीनों टर्म यहाँ पे 2 बाई 3 2 बाई 3 2 बाई 3, यहाँ पर सिर्फ उल्टा दिया है, 3 बाई 2 दिया है। तो मेरा हम लोगों का पहला काम है कि हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। पहले तो हम लोग इसको देखो, ये फ्रैक्शन का पावर है, उसी हिसाब से हम लोग ब्रेक पूरा कर करके कर सकते हैं। लेकिन उससे भी एक ईजी तरीका है, क्या करेंगे हम लोग, एक पहले एक सम किए थे जो देखो इधरों सम सेम है, तो हम लोग इसको अलग ही तरीके से एक ही चीज़ पकड़ेंगे पूरा चीज़ को। तो उसी हिसाब से बाधा कौन दे रहा है, बाधा हम लोगों का ये वाला टर्म दे रहा है। यहाँ पे देखो, रेसिप्रोकल अगर होता तो मतलब ये 2 बाई 3 बाई 2 के जगह अगर 2 बाई 3 होता तो वो हम लोगों का आसान ही रहता। तो पहला क्या है, हम लोग इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग को माइनस वाला पावर पड़े थे कि मान लो कि 2 बाई 3 है, उसके पावर में अगर 4 है तो हम लोग या फिर -4 है उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 बाई 2 का पावर में 4। माइनस साइन हट जाएगा तो फ्रैक्शन उलट जाएगा। तब यहाँ पे वही चक्कर है, देखो 3 बाई 2 के पावर पे 4 है, तो अगर हम लोग इसको उलट देंगे तो पावर में क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। तो अगला स्टेप हम लोगों का वही होगा, 2 बाई 3 टू द पावर 5 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 का क्यूब डिवाइडेड बाई 2 बाई 3 का पावर पे आ गया हम लोगों का 4। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, देखो ऊपर का चीज़ अलग से, नीचे का चीज़ अलग से। तो ऊपर का चीज़ अगर करेंगे तो 2 बाई 3 है, तो ये देखो 2 डिवाइड मतलब हम लोगों का क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो 2 माइनस 5 हो गया ऊपर में, और नीचे में हो जाएगा 2 बाई 3 पावर में आएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस साइन होगा, तो ये क्या होगा 3 माइनस ऑफ -4, क्योंकि ये जो माइनस साइन है डिविजन की वजह से है, और 4 का जो माइनस है वो इससे आ रहा है। तो आगे चल के यही वाला करेंगे हम लोग, तो ये क्या होगा 2 बाई 3 पावर में आ जाएगा क्या, 2 माइनस 5 मतलब -3 आएगा, डिवाइडेड बाई यहाँ पे हो जाएगा 2 बाई 3। अच्छा, अगर कोई भी कैलकुलेशन समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे ले जाओ, पॉज करो, खुद कोशिश करो कि कैलकुलेशन कैसे हो रहा है, क्योंकि मैं जल्द थोड़ा हो सकता है कि मैं थोड़ा जल्दी कैलकुलेशन कर ले रहा हूँ, कभी कभी मैं कैलकुलेटर भी यूज़ कर रहा हूँ, तो मतलब फ्रेंकली बता रहे हैं, तो इसीलिए तो वीडियो को पॉज करो, कैलकुलेशन अच्छे से समझ आएगा। क्योंकि कैलकुलेशन अगर समझ में नहीं आएगा सही से तो क्वेश्चन एग्जाम में करना या फिर कभी भी करने जाओगे प्रॉब्लम फेस करते रहोगे। तो ये क्या होगा 3, और ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा हम लोगों का, प्लस बन जाएगा, तो 3 प्लस 4। तो देखो अभी ऊपर का भी सेम, नीचे का भी सेम, और बीच में क्या है डिविशन साइन, तो क्या होगा एक ही चीज़ बैठेगा, -3 पहले से है डिविशन मतलब यहाँ पे हम लोगों का माइनस साइन आ जाएगा। अब माइनस साइन यहाँ पे क्या होगा, देखो इन दोनों को ऐड करके वैल्यू वाला होगा, तो 4 प्लस 3 7। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप ऐसे ही कर दे रहा हूँ, तो ये क्या बनेगा -3 -7, तो ये बन जाएगा, दोनों ही माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो 3 प्लस 7 10 हो जाएगा, लेकिन साइन बैठेगा माइनस क्योंकि दोनों ही माइनस है, तो -10 हो गया। और अभी ध्यान क्या देना है हम लोगों को, इस माइनस साइन को हटाना है, कभी पावर में कोशिश करना कि माइनस साइन ना रहे। तो ये क्या बन जाएगा, ये हम लोगों का 3 बाई 2 बन जाएगा और पावर में आ जाएगा सिर्फ 10। तो यहाँ पे आंसर हम लोग छोड़ देंगे, तो यही हम लोगों का आंसर बन जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं अगला वीडियो पे।